ये तुम्हें जो एक दिख रहे हैं ना, ये एक नहीं है, ये अत्यंत अलग अलग हैं। अब अपन लोग तो राजनीति में भी बहुत होशियार हो गए ना, उसमें जाएं कुछ भी नहीं, लेकिन समझते तो सब है ना कि एक भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की लड़ाई हो रही, दोनों आमने सामने हैं। लेकिन वो एक एक के नेता के शत्रु वो दूसरी पार्टी वाले ही नहीं हैं, उसकी पार्टी में ही बगल में खड़ा है वो भी कम शत्रु नहीं है। क्यों? वो अन्ना की टीम थी ना, वो सब नेता बनना चाहते, बिखर गए। वो उसे आगे छोड़ना, पीछे छोड़ना, वो उसे आगे कर होना चाहता है ना। तो ये किस तरह से मतलब इसमें विविधता होती है। तो आपने नीचे छंद में बहुत अच्छा बताया है, जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। नाटक देखा जाता है, जाना नहीं जाता है, बोलते ना नाटक जानने चलो, ऐसा कोई बोलता है कि देखने चलो? और देखना कहाँ है? दर्शन का, दृष्टि का, श्रद्धा का। तो कहते हैं कि वो श्रद्धा विवेक माने ज्ञान, जीव और अजीव के बीच में जो भेद विज्ञान है उसका नाम है विवेक। तो इससे पुष्ट है दृष्टि जिसकी, वो ज्ञान नामक नायक की, जीव और अजीव के बीच में जो भेद विज्ञान है उससे पुष्ट है दृष्टि जिसकी, ऐसी दृष्टि से वो इस नाटक को देख रहा है। कौन से नाटक को? जो जीव और अजीव मिलकर के स्टेज पर आए हैं और दिखा रहे हैं। कब खुद देखता और अन्य जो सवासद हैं उन्हें भी दिखाता। बाकी वो ज्ञानी धर्मात्मा खुद भी समझते हैं और अपने प्रवचनों के माध्यम से और जिस तरीके से भी अपने बाकी सभासदों को भी समझाते हैं कि आत्मा जुदा है, ये जुदा है। दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता, और आठ कर्म जो दुष्ट हैं उनके बंधनों को तोड़ने वाला है। देखो है ना, अतः आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात। विधि माने कर्म होते हैं ना, जो अनादिकाल से बंधे हुए हैं, ऐसे कर्म की बंधन को तोड़ने वाला है और लोकालोक को जानता है। अब यही दिक्कत आती है, वहाँ तो वो दृष्टि ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है, और यहाँ ऐसा लगता है केवल ज्ञानी है, जाने लोकालोक पे। ये जो छंद है मंगलाचरण के, इसमें जो ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, वो ज्ञान ज्योति क्या है? मैंने खुद लिखा शायद पहले में ही, कभी तो लगता है कि सम्यक ज्ञान ज्योति है, कभी लगता है केवल ज्ञान ज्योति है, और कभी लगता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसके जो विशेषण दिए जाते हैं तो कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो त्रिकाली ध्रुव पर घटित होते हैं, क्या कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जो केवल ज्ञान ही पर ही घटित होते हैं, और कुछ ऐसे ही विशेषण भी हैं जो सम्यक दृष्टि पर। तो कोई भी समझ लो, तीनों में से आप कोई भी समझ लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने लोकालोक को पे निज में मगन रहे, लोकालोक को जानते जरूर हैं लेकिन अपने आत्मा में मगन रहते हैं। विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता, और हमेशा शुद्ध भगवान आत्मा को निरंतर देखने वाला ऐसो ज्ञान वीर, ज्ञान नामक वीर योद्धा, और धीर और मन में मंग माने उमंग, ऊ का लोप हो गया है, कौन से सूत्र से होगा? समझ गया ना, मतलब जगह नहीं थी यहाँ, तो सबसे कमजोर जो होता है उसका लोप हो जाता है, आप जानते हैं ना। तो एक तो व्यंजनों से स्वर कमजोर होते हैं, आ ऊ, तो बड़ी ऊ जरा मजबूत होती है और छोटी कमजोर होती है, तो इसमें उमंग है ना, तो ऊ गायब हो गई। उमंग भरे मन में स्वयं ही उदात्त, धीरोदात्त है ना, और अनाकुल, कोई आकुलता नहीं है जिसको,
ऐसा शोभायमान हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान नामक नायक ऐसा शोभायमान हो रहा है। अब जानते हैं भाषा किस तरह घिसती है, ये ना उपाध्याय, तो अपने यहाँ तो उपाध्याय परमेष्टि है ना, अब इनके यहाँ भी त्रिपाठी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, दो वेद के जानकार, तीन वेद के जानकार, चार वेद के जानकार कभी रहे होंगे। अब उनकी संतान भी अपने को लिखने लगे, उन्होंने वेद का नाम नहीं सुना वो चतुर्वेदी। ऐसे ही उपाध्याय कभी उनके बाप दादे मैंने भी पढ़ाते होंगे सारे संतों को, जनता को, तो वे उपाध्याय थे। तो उपाध्याय सबसे कठोर शब्द इसमें क्या है, उपाध्याय धाई है ना, सबसे कठोर है धाव, बीच में जमा बैठा है, या जो है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि उसे अर्ध स्वर बोलते हैं, या रा ला वा, ये अर्ध स्वर बोले जाते हैं इन्हें, है ना। तो सबसे पहले वो घिसा, महाराष्ट्र में गया तो उपाध्याय हो गया। ये उपाध्याय है ना तुम्हारे यहाँ, तीन जातियाँ होती है ना कोल्हापुर के आसपास, चतुर्थ पंचम और उपाध्याय, वे उपाध्याय से ही उपाध्याय बने हैं, पठन पाठन कराने वाले। सब ऐसी हालत हुई, बड़जात्या बड़जात्य हो गए, वहाँ जाकर काला काले हो गए। लोहारिया लोहारे हो गए, पहाड़िया पहाड़े हो गए। इसको इसको व्याकरण की भाषा में पाणिनि से पूछो तो वे कहेंगे दक्षिण व्युत्पत्ति है, दक्षिण में ऐसा हो जाता है, उत्तर में ऐसा होता है। धीरे धीरे उपाध्याय में से या घिस गया तो उपाध्याय रह गया ना, तो ये बन के ऊपर चढ़ गया ना। फिर सब इधर शुरू में ऊ सबसे कमजोर है, वहाँ या कमजोर था तो ऊ गायब हो गई, क्या समझे ना। तो उपाध्याय से ये बिगड़ते बिगड़ते ओ बन गई उदय, आप समझे ना। तो जा झा है ना, झा का झा हो गया, तो ओ झा, ये ओझा जो है ना बिहार में, ये सब उपाध्याय उपाध्याय ही हैं। उपाध्याय से बिगड़ते बिगड़ते वे ओझा हो गए, और बाद में ओ भी गायब हो गया, अकेला झा रह गए, गंगानाथ झा। अपने महावीर की किताब है ना छोटी सी 16 पेज की, उसमें लिखा गंगानाथ झा ने ये कहा। तो देखो वो ध्या था ना, वो ध्या झा बन के बीच में खड़ा है और सब घिस घिसा गया आगे पीछे। तो आप समझ लो कि उपाध्याय उपाध्याय ओझा झा ये सब एक ही हैं। ऐसे कई शब्दों की यात्रा है, ये जो यात्रा मैंने आपको एक शब्द की बताई है वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ भी घिस गया है, उमंग में से मंग रह गया आता, टोडरमल जी के में भी आता ना, मंगल मंगल मय मंगल कर, मंगल मंगम ला तीति मंगलम और मलम गाल तीति मंगलम, तो वहाँ भी मंग है ना, मंग रह गया, उमंग का मंग रह गया। तो ये अपने मंगलाचरण हो गया। अब गाथाएं पढ़ो, तीन दिन में अपन को 44वीं गाथा तक पूरा करना है। Hallelujah.
कुछ छोटी ई बड़ी ई, इसमें कुछ फर्क ही नजर नहीं आता, छोटी ऊ बड़ी ऊ, इनके उच्चारण क्यों नहीं सीखते हैं ये लोग। अब देखिए ये गड़बड़ हो गई थी ना नीचे से तीसरी लाइन, क्यों इसमें कोई ई की बड़ी मात्रा कहाँ, छोटी है ना। अब बुद्धिपूर्वक लिखी है छोटी, ऐसा थोड़ी कभी रह गई। अब बड़ी बोलते तो क्या बोलते, अब तुमने क्या अथवा कहे को ई, बस बड़ी कर दी तो बस कर गड़बड़ हो गई छंद। अथवा कहे कोई, कोई ई छोटी है ना, ई बोलो ना तो छंद ठीक हो जाएगा। अब बोलो द्रव्य कर लिखने में भी बीमारियां लिखेंगे तो बीमारियों, अब उसमें बीमारी इसमें तो बड़ी ही लिखेगी, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाएंगे और या करेंगे तो बड़ी ई छोटी ई हो जाती, ई की ई ये हो जाता है। तो बीमारियों आप बोलोगे बीमारियों, लिखेंगे भी ऐसे ही, मैंने छोटी बड़ी ई का कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है ना, ये का कितना करो, जितना भी यहाँ टोकता हूँ लेकिन उच्चारण इनको ठीक होते ही नहीं है, क्या बताओ। और जो कैसी पढ़ाई होती है, ये जो 3.5 गाथाओं में 8 प्रकार के वादी बताए हैं कि जो जीव नहीं है और उसको जीव मान लेते हैं। आप कहें गाथाएं तो 5 हैं और 3.5 क्यों बोल रहे हैं। देखो अंतिम गाथा में तो कोई का नाम है ही नहीं, अंतिम गाथा में तो इस कहा कि बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहें, है ना, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें, इस तरह दुर्बुद्धि जन पर पदार्थों को आत्मा कहते हैं, वे परमार्थवादी नहीं हैं, ये परमार्थवादी गुरुवर्यों ने भगवंतों ने ये बात कही है। देखो ये अलंकार है ना, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें, उसमें ऊपर तो ऐसा है तेना परमठवादी निश्चयवादी निर्दिठा, वे परमार्थवादी नहीं है, इन निश्चय नय के जानकारों ने ये बात कही है। लेकिन अपन ने दोनों ही परमार्थ लगे, परमार्थ माने निश्चय होता है, चाहे निश्चय नय कहो चाहे परमार्थ नय कहो एक ही है, लेकिन इसमें कुछ सौंदर्य आ गया ना, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें, तो एक गाथा तो चली गई है मुफ्त में और आधी शुरू में गई है। अपान मयाणंता मूढ़ा दु परप वादुणो के ही, आत्मा को नहीं जानने वाले पर पदार्थों को आत्मा मानने वाले बहुत से मूढ़ इस जगत में हैं, मूढ़ा माने मूर्ख मूढ़ लोग हैं, ये भी ऐसी गई। अब जो 3.5 गाथाएं बची ना, 7 लाइन है, तो इनने इसमें 8 प्रकार के अज्ञानियों की चर्चा की कि वे किन किन को क्या क्या जीव मानते हैं। तो इसमें वैसे गाथाओं में भी है, लेकिन अपन ने जो पद्यानुवाद किया उसमें बहुत सरलता से वे 8 आपके ख्याल में आ जाएंगे, अपन 8 गिनते हुए चलेंगे। देखो अद्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें, कोई तो अद्यवसान को आत्मा कहता है और कोई कर्म को आत्मा कहता है, 2 हो गए, और कोई तीसरे अद्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, तीसरे वे हैं कि अद्यवसान भाव है, कभी मंद होते कभी तीव्र होते, तो वो जो मंद तीव्रता होती है बस वो जीव है, तीसरे हो गए ना। अरे अन्य कोई यह कहें नो कर्म ही बस जीव है, ये शरीर ही जीव है, तो 4 हो गए, है ना। अभी और गया। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, ये 5वें प्रकार के हो गए, इनको जीव कहते हैं, वह जीव है। और 6वें कर्म का जो उदय है वह जीव है, ये 6वां। और द्रव्य कर्म का और जीव का सम्मिलन, ये दोनों मिल जाते हैं, द्रव्य कर्म और जीव, उसका नाम जीव है। कौन से नंबर के होगा ये,
और अथवा कोई कहता है कर्म का और जीव का संयोग ही बस जीव है, ये आठ हो गए। इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहें, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें। हो गए आठ। अभी देखो जरा इधर शांति से पढ़ो, इन्हें पांच कथाएं इसमें कलश में पढ़ो जरा शांति से। साफ है ना कि आठ तरह की उल्टी मान्यता वाले जीवों को यहाँ बताया है कि जो वास्तव में जीव नहीं है और उनको जीव कहते हैं। ये आठ प्रकार के अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूल लोग हैं, उनकी चर्चा बस इन पांच गाथाओं में की है। अभी वे सही हैं झूठ हैं ऐसा वे कुछ नहीं कह रहे, फिर भी मूढ़ हैं ऐसा कहते हैं, परमार्थ को नहीं जानने वाले कहते हैं, इसमें से अपन को संकेत तो मिल गया। ये क्यों हैं मूढ़ वो सब बताएंगे, लेकिन अब अपनी निकालो ये पेज निकालो एक किताब का 369 पेज नंबर 369 पेज मिल गया। देखो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, ये नीचे से पैरा है जिन आठ प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख मिल गया है? सबको मिल गया। जिन आठ प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख उक्त गाथाओं में किया गया है उनमें से कौन सी मान्यता किस मत की है अथवा किस मत के अनुकूल है नज़दीक है, इस बात को सहजानंद जी बरनी मनोहरलाल जी बरनी अपनी सप्तदशांगी टीका में की इसी गाथा के तथ्य प्रकाश शीर्षक में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो आश्चर्य इसलिए हुआ कि आपको देखो बरनी जी का कोटेशन दे दिया, अभी दादो स्वामी जी बनारसी दास जी पांडे राजमल जी क्यों जैसे नाचारी बेई आते थे, अपन ने सब पढ़ा है। मेरे यहाँ देखो जितने समय सार जहाँ से निकले हैं वो सब रखे हैं, और जिस गाथा पर मैं लिखता हूँ तो सब उठा करके एक एक को देखता हूँ, और जिसमें कोई मरम की बात होती है तो छिपा कर नहीं उसी के नाम से उल्लेख करके मैं वो देता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, थोड़ी सी भाषा बदल बदलू करके क्यों, लेकिन जहां से अपन को मिला है अपन को क्या तकलीफ है। ये सप्तदशांगी टीका मनोहरलाल जी बरनी ने समय सार की लिखी है। और ये सप्तदशांगी क्या होता है, उनने 17 तरह से अर्थ किया है, 17 तीजी बताई हर गाथा में, उसके उसका व्याकरण बताया, शब्द की व्युत्पत्ति बताई, समास बताया, फिर उसका
नए बताया, ये कौन से नए का कथन है, फिर ऐसी 17 चीज़ें बताई। फिर उसमें एक तथ्य प्रकाश नाम का है, 17 में एक शीर्षक क्या है कि उसे क्या तथ्य प्रकाशित होता है। तो ये तथ्य प्रकाश, ये तथ्य प्रकाश नाम का जो प्रकरण है इन गाथाओं में, उनमें उनने ये बात देखी। एक बात मैंने और भी कही थी इसी सभा में, ध्यान हो तो, कल परसों निकला था आपकी पढ़ाने में, वो शब्द है बहुत बढ़िया और शुरू शुरू में भी आया है, वो भी मैंने मनोहर लाल जी बरनी की उसमें से लिया है। कल परसों हम बता रहे थे ना, इस ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, वो पहली शुरू की 3 गाथाओं में भी है, और इधर कल जो तुम पढ़ा रहे थे 10वीं 11वीं 12वीं गाथा है, हाँ प्रत्येक आत्मा, तो प्रत्येक आत्मा शब्द भी मनोहर लाल जी की सप्तसांगी टीका में से लिख दिया है कि प्रत्येक आत्मा क्या है। तो प्रत्येक आत्मा शब्द का उनने बहुत अच्छा खुलासा किया है, और वो मैंने उनकी सप्तसांगी टीका से लिया। तो पढ़ा तो सब है, लेकिन जो ऐसी चीज़ है और जगह नहीं है, माने उनकी में ही मिली, तो उनके नाम के उल्लेख पूर्वक वो बात मैंने की है। अभी 8 मत कौन से हैं, अभी सीधे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लिखा ना उनके नज़दीक हैं, उनके अनुकूल हैं, मान इस टाइप की बात है, ये जगत में इस टाइप की मान्यता बहुत है, और वो उन्होंने 8 निकाल के आपको बताए हैं। तो जिसने 6 दर्शन का गहराई से अध्ययन किया हो वो निकाल सकता है, और उन्होंने सब अपने आचार्य जयसेन कहते हैं कि हमें 5 तरह से अर्थ करना चाहिए, एक सामान्य अर्थ, फिर अन्वयार्थ, फिर मयार्थ, मतार्थ, फिर नयार्थ, है ना, 5 है ना, भावार्थ। तो नयार्थ में नए कौन से नए से कथन है, मतार्थ में एक किस मत की अपेक्षा लिखा है। तो देखो पहला नंबर जो पहला है ना, कौन सा, वहाँ पर अब वहाँ से निकालते जाना कि वेदांतादि सम्मित जैसा नैसर्गिक राग द्वेष कलुषित अध्यवसान जीव नहीं है, समझ ना ये। फिर दूसरा मीमांसकादि सम्मत जैसा संसरण क्रिया विलसित कर्म जीव नहीं है। फिर सांख्यादि मत सम्मत जैसा अध्यवसान संतान जीव नहीं है। फिर वैशेषकादि सम्मत जैसा नवीन नवीन दशा में प्रवर्तमान शरीर ही जीव हो ऐसा नहीं है। फिर बौद्धादि मत सम्मत क्षणिक शुभ अशुभ भाव ही जीव हो ऐसा नहीं है, है ना। फिर योगादि मत सम्मत जैसा सुख दुख मात्र जीव हो ऐसा नहीं है। फिर नैयायिकादि सम्मत जैसा आत्मकर्मोभर जीव हो ऐसा नहीं है। फिर चार्वाकादि सम्मत जैसा कर्मादि के संयोग मात्र जीव हो ऐसा नहीं है। इन्होंने 8 उन मतों में से निकाल के ये बात यहाँ रखी। लिखा ना उनकी वर्णन जी की टीका से लिया है, और अपने जयतन छाबड़ा में भी अपन ने इसके पीछे है। देखो जयतन जी छाबड़ा भी सबसे ऊपर लिखते हैं, देखो ये है ना पेज नंबर 368, उक्त गाथाओं का भाव को पंडित जयतन जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब ये पूरा पढ़ना, मैं तो सिर्फ इतना पढ़ता हूँ, ये पेज नंबर 369 पर उनमें वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतों का आशय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, और भी अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं, उन्हें कहाँ तक कहा जाए। उनने भी ये 8 मत बताए, और बर्णी जी ने इसी को और खोल दिया, समझे ना। मोटा मोटा तो आप सब समझते ही हैं। देखो ये क्या है कि इनके यहाँ एक वेद हैं और एक वेदांत हैं। वेद वेदांत की बात सुनते हो आप, जैसे अपने यहाँ क्या है, द्वादशांग है, अंग अंग हैं और अंग बाह्य हैं। तो
वेद वेद पहले सबसे पहले वेद आए और वेदों का अर्थ करने में लोगों के बहुत मतभेद हो गए, तो उनमें एक मीमांसक हैं, मीमांसक माने विचारक, विचार करने वाले है ना, और उनमें दो भेद हो गए, एक क्रियाकांडी और एक ज्ञानकांडी, जैसे अपने होता निश्चय न वाले एक व्यवहार न वाले। तो जो क्रियाकांडी है उन्हें पूर्व मीमांसक कहते हैं, पूर्व मीमांसा, पहले उन्होंने ऐसा विचार किया, और बाद वालों ने फिर जो विचार किया उसका नाम उत्तर मीमांसा है, माने बाद में विचार किया गया, जो पहले का विचार और बाद का जो विचार, दो तरह के विचार हैं, समझे ना। तो पूर्व मीमांसा क्रियाकांडी हैं और उत्तर मीमांसा वेदांती जैसे लोग हैं, और उन्हें वेदांत के वेदों के अंत में जो चीज आती है तो उनको उपनिषद भी बोलते हैं, माने उपनिषद माने विद्वानों के द्वारा उनका निकाला गया विशेषार्थ, वे उपनिषदों की कहानियाँ भी हैं, वो इस तरह की कहानियाँ हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा, अब आत्मा को समझो, ब्रह्म को समझो, उसकी साधना करो, उससे ही मोक्ष होगा, आप समझते हैं। तो ये जो शंकराचार्य थे ना, ये वेदांत के आचार्य थे, इन्हें वेदांती कहते हैं, वेदांत के आचार्य थे, और वो जो इनसे वाद-विवाद हुआ था ना, मंडन मिश्र, मंडन मिश्र का नाम सुना कि नहीं, एक अभी आजकल के मंडन मिश्र भी हो गए, जो दिल्ली में उपकुलपति थे, जयपुर के ही थे, अब स्वर्गवास हो गया उनका, तो वो मंडन मिश्र नाम के थे, वो मीमांसक थे, और उनमें वाद-विवाद हुआ था शंकराचार्य में, उनमें जब वो मंडन मिश्र हार गए शंकराचार्य से, तो मंडन मिश्र की पत्नी आई और उन्होंने बोले अभी नहीं हारे, क्योंकि हम तो पति पत्नी मिलकर के एक होते हैं ना, तुम मुझे भी हराओ तब तुम हम हारे कहलाएंगे। क्या वो मंडन मिश्र के बारे में तुमने कहानियाँ सुनी हो ना, कि किसी ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन है,